राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना क्या फल देगा। 118 दिन के लिए 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव में बकरी हो रहे हैं। मेष राशि में बकरी हो रहे हैं, मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस योग का प्रभाव अब बहुत कम हो चला है। 30 अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु राहु का चांडाल योग भी 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से राहु गुरु को देख रहे हैं, तो इसके प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह से 118 दिन कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लेकर के आ रहे हैं, उसका पूरा विवेचन हम यहां पर करते हैं। बंधु, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। बंधुओं, नवग्रह में देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जिस पर कृपा हो, उसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही व्यक्ति को मान सम्मान, विद्या, संतान सुख, धन, नौकरी, व्यापार सब कुछ प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी बकरी होते हैं या मार्गी होते हैं या अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र उसको विशेष रूप से विवेचन करता है, क्योंकि इनके बकरी होने और मार्गी होने और राशि परिवर्तन करने का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। तो बंधुओं, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहेगा, तो बात करते हैं सबसे पहले कि राहु और गुरु मेष राशि में अष्टम भाव में बकरी हो रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी इन पर है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। बंधुओं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आर्थिक लाभ के योग लगातार बने रहेंगे, लेकिन इन 118 दिन में आपको लाभ तभी होगा जब आप आलस्य छोड़ करके पुरुषार्थ के साथ अपनी नौकरी हो या व्यापार, उसमें आगे बढ़ेंगे। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। मेटल से जुड़े लोगों को इस समय में बहुत लाभ होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु गुरु का चांडाल योग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो और उन्नति आपके भाग्य में होगी और लाभ में होगी। अब बात करते हैं देव गुरु की पंचम दृष्टि के बारे में। पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव में है, यहां से शनि देव की सातवीं दृष्टि भी आपके व्यय भाव में है। यदि इसका विवेचन करें तो जो लोग विदेश से जुड़े कामों में जुटे रहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनको इन 18 दिनों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। आईटी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी इन 118 दिन में देवगुरु बृहस्पति के बकरी होने का लाभ प्राप्त होगा। ये व्यय का भाव है आपका द्वादश भाव, जिस पर गुरु की पांचवी दृष्टि है और शनि की सातवीं दृष्टि है, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी आय के साथ अपने खर्चों को भी थोड़ा सा अनुशासित करें, व्यर्थ के खर्च करने से बचें। व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं, उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। लेकिन आपको कहीं से आकस्मिक लाभ भी गुरु कराएंगे तो आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये हमने हम पंचम भाव की चर्चा की। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। यदि इस दृष्टि के बारे में बात करें तो पिछले दिनों आपका जो रुका हुआ धन था, वो इन 118 दिन में आप प्रयास करेंगे तो वापस आ जाएगा। वाणी का भाव भी है द्वितीय भाव, तो आप वाणी की मधुरता बनाए रखें, क्योंकि प्रेम से बोलने से आप अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, आप किसी से काम निकाल सकते हैं। तो आप वाणी की मधुरता को बनाए रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ का भाव है, देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका धन बढ़ेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि के बारे में। नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी। यहां पर
हम देखते हैं ये माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, तो इस देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। रियल इस्टेट से जुड़े जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनको 118 दिन में सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से यदि आपकी कोई जमीन की डील अटकी हुई थी या कोई आप मकान लेना चाहते थे वो काम बन नहीं पा रहा था, तो अब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको लगातार ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ हाउस माता का है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि नौमी पड़ी हुई है, तो आप माता के स्वास्थ्य में आपके में ध्यान रखें, लेकिन माता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। व्यापार में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें, कोई साझेदारी करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। तो बंधुओं, हमने ये बताया कि कन्या राशि के जातकों पर देव गुरु बृहस्पति के बकरी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ओवरऑल कोई कंक्लूजन आपको बताएं तो इन 118 दिन में आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए, आपको संघर्ष और मेहनत से सफलताएं मिलेंगी। अपनी मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करें, योगा करें, और कोई भी लोग आपके पीछे से कोई आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं तो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते रहें, तो 118 दिन आपके लिए उत्तम होंगे। अब बात करते हैं इन 118 दिन में कन्या राशि के जातक क्या विशेष उपाय करें, क्या उपासना करें जिससे उनको और विशेष लाभों की प्राप्ति हो। तो कन्या राशि के जातकों को करना क्या है कि क्लीम कृष्ण क्लीम, भगवान कृष्ण का दुर्लभ और दिव्य मंत्र है, क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र की प्रतिदिन माला जप करें, गाय को हरा चरा खिलाएं और मंदिर में पीले वस्त्र दान करें, तो 118 दिन में देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको धन लाभ होगा। तो बंधुओं, ये रहा कन्या राशि के जातकों पर देव गुरु बृहस्पति के बकरी होने का प्रभाव। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आपका कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से जुड़ा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जरूर जवाब देंगे। राधे राधे।